पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सुरक्षा मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज फैसला ले सकती है। बीते महीने 22 मई को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट के बाद फैसला सुरक्षित लिया था। दरअसल सिद्धू अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। सिद्धू ने अपनी याचिका में बताया कि जेल में जाने से पहले उनके पास सुरक्षा थी, जब वह जेल से निकले तो उनकी सुरक्षा कम करके वाय कर दी गई, जबकि उन्हें केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि सजा पूरी कर जेल से बाहर आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा पहले की तरह ही बहाल कर दी जाएगी। याचिका में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में समीक्षा कर रिपोर्ट देने की बात कही है। राज्य सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट के बाद रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने 22 मई को रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पिटीशन में उनकी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सिद्धू ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती रही है। वहीं जेल से निकलने के बाद मूसेवाले के घर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस उन्हें सरेआम धमकियां देता रहा है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाले के बाद अब सरकार दूसरे सिद्धू को भी मरवाना चाहती है।